स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल My Time Space में। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह, और उस जगह को मैं बोल के नहीं बताऊंगी, आप खुद ही देख लीजिए। आज हम आए हैं स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में, और जिस जगह हम आज रुके हैं उसका नाम है ग्रिंडलवाल्ड। स्विट्जरलैंड वैसे तो पूरा ही बहुत सुंदर है, फेमस है, बट ग्रिंडलवाल्ड स्पेशली अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए, लैंडस्केप के लिए वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है। इवन कुछ लोग इसको स्विट्जरलैंड का सबसे ब्यूटीफुल विलेज भी बोलते हैं। ग्रिंडलवाल्ड एक ऐसी प्लेस है जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। जो लोग हाइकिंग के शौकीन नहीं है वो गंडोला राइड कर सकते हैं, फ्लायर राइड कर सकते हैं, ईगल राइड कर सकते हैं, और आप अगर कुछ भी ना करने के शौकीन हो तो आप सिंपल व्यूज ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हर मौसम में कुछ ना कुछ रहता है, जैसे समर में माउंटेन ट्रेन राइड होती है, गोंडोला राइड, और विंटर में लोग स्कीइंग के लिए आते हैं, तो काफी फेमस है ये जगह। तो अभी हम आपको उन्हीं सब चीजों की तरफ लेके जाएंगे, सो अपना हम अब ट्रिप स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो अभी हम अपने होटल से डायरेक्ट जहाँ आज हम जाएंगे वहाँ की तरफ चल पड़े हैं। तो हम आज जा रहे हैं ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट, जो कि एक पीक है, चोटी है। तो वहाँ जाने के लिए हमें पहले केबल कार लेनी पड़ती है, तो अभी हम केबल कार स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। सो फाइनली गाइस, हम पहुँच गए हैं जहाँ से हमें गंडोला मिलेगा फर्स्ट पीक के लिए, और ऊपर जाके देखते हैं कि क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कैसे व्यूज़ हैं। तो चलिए। अभी हमने टिकट ले ली है गंडोला राइड की, और वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि आपके पास 3 ऑप्शन है, ये रिटर्न टिकट भी इंक्लूड होती है इसमें। अगर आपको गंडोला राइड और एक एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए आपके लगेंगे 74 यूरो, और अगर आपको 2 एक्टिविटीज़ करनी है तो 86 यूरो, और 3 एक्टिविटी करनी है तो 106 यूरो, और डिपेंड ऑन आपको कितनी एक्टिविटीज़ करनी है। अगर आपको सिर्फ गंडोला राइड का रिटर्न टिकट लेना है विदाउट एनी एक्टिविटी तो वो है अराउंड 64 यूरो, बट ये सब पर पर्सन है। तो हमने ये टिकट्स ले ली हैं, अभी हम गंडोला की तरफ चलते हैं। गंडोला में, और आपको व्यूज दिख रहे होंगे, बहुत अच्छा व्यू है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि गंडोला काफी हाई है, और आई थिंक जिन लोगों को थोड़ा सा हाइट से डर है या थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अभी इस गंडोला के बारे में एक्सप्लेन करें तो इसमें 2 स्टेशन आएंगे बीच में फाइनल स्टेशन से पहले, तो अगर आपको पूरी राइड एक साथ नहीं करनी है तो आप बीच में उतर सकते हैं। काफी लोग ऐसा करते हैं कि बीच में किसी स्टेशन पर उतर के उसके बाद जैसे ट्रैकिंग कर ली या थोड़ी फोटोग्राफी वगैरह अगर अच्छे व्यूज हों तो। अभी हम बादलों के बीच में पहुंच चुके हैं, ऊपर काफी क्लाउडी सा है, और हमसे तो नहीं हो पाएगी फ्लायर, मानो माफ कर लोगे? शायद कर लूंगा, बट मुझे थोड़ा सा वही लग रहा है क्योंकि गंडोला ही इतना ऊंचा लग रहा है, तो फ्लायर में एकदम आप बोलते हैं कि अकेले होंगे और ओपन होगा। तो देखते हैं, बट यहाँ का और भी ऑप्शन, अच्छी बात है कि अगर आपको फ्लायर ऐसा कोई मन नहीं है तो बहुत अच्छी लेक है, वहाँ पे हाइकिंग के लिए जा सकते हैं, क्लिफ वॉक कर सकते हैं, क्लिफ वॉक कर सकते हैं, डेफिनेटली हम करेंगे। तो मुझे खतरा ही है क्योंकि अब हम गंडोला में डर रहे हैं तो क्लिफ वॉक में तो नहीं, नहीं क्लिफ वॉक करेंगे क्योंकि इतने पैसे खर्चे हैं तो बनता तो है क्लिफ वॉक करना, फ्लायर में है तो। चलिए दोस्तों, देखते हैं अभी
गाय की घंटियां आपको सुनाई दे रही होंगी थोड़ी थोड़ी, जो स्विट्जरलैंड की फेमस है गाय घंटी, वो सब बहुत ही सुंदर ऊपर ऐसा लग रहा है कि पिक ले लो, यहाँ पे ये पड़ी है कि पिक ले लो। अभी हम पहुंच गए हैं फर्स्ट क्लिप पे और व्यू इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि मतलब बता नहीं सकते, आप खुद ही देख लीजिए। मतलब सब एक साथ ही है, धुंध, बादल, पहाड़, बर्फ। यहाँ जब आप फर्स्ट क्लिप पे पहुंचोगे तब आपको यहाँ और भी इंसानों के अलावा भी कुछ और चीज़ें दिखेंगी, वो हैं काउज, गोट, और लोग इनके साथ पिक भी खिंचवा रहे हैं, बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, थोड़ा हमने सोचा था ठंड होगी बट आज का ही दिन हमने नेट पे देखा कि अच्छा है, उसके बाद कल बारिश है, तो हम बहुत ज़्यादा लकी मार रहे हैं कि हमने ये अपना जो ट्रिप है वो अच्छी तरह से कर लिया। और हमारे पीछे गायें हैं जो ग्रेजिंग कर रही हैं और इनके गले में घंटियाँ बंधी हुई हैं, तो इसकी जो साउंड लग रही है ना तो बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर। फर्स्ट क्लिप है, यहाँ पे आप आराम से 2-3 घंटे बिताइए, फोटोग्राफ्स लीजिए, वीडियो लीजिए, और आपको पीछे रेस्टोरेंट दिख रहा होगा तो यहाँ लंच वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, यहाँ आपको स्विस कुजीन से लेके इंटरनेशनल डिशेस सब मिलेंगी, तो आप यहाँ आराम से टाइम बिताइए। बिकॉज इसके बाद एक और यहाँ पे डेस्टिनेशन है जिसको स्विस क्लिफ बोलते हैं, जहाँ क्लिफ वॉक भी इनके नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं, तो आपका पेट एटलीस्ट भरा हुआ होना चाहिए, तो हमेशा यहाँ से खाना खा के ही ऊपर जाएँ। तो यहाँ ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट में जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, फ्लायर, ग्लाइडर, तो उन्हीं एक्टिविटीज़ में से ये भी एक है, इसे बोलते हैं माउंटेन कार्ट। तो जैसा आपको दिख रहा है तो हमने ये किया और काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें, अभी और भी है सफ़र, तो दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अभी माउंटेन कार्ट किया, माउंटेन बाइक की, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी एडवेंचरस लगा। उसके बाद हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे माउंटेन कार्ट से जा सकते हैं और फिर गंडोला लेके चाहे आप ग्रिंडलवाल्ड टाउन की तरफ चले जाओ, चाहे दोबारा से ऊपर चले जाओ फर्स्ट की तरफ, क्योंकि गंडोला का प्राइस अनलिमिटेड होता है। आई लाइक माउंटेन कार्ट। फ्रेंड्स फाइनली हम गंडोला से अब नीचे आ गए हैं और आज का दिन जो था वो काफ़ी हमारा एडवेंचरस था, बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं, हमारी शक्लें बता रही होंगी बट हम इसे हैप्पीली एग्जॉस्टेड बोलेंगे। थकान के बाद भी काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी एक तरह से फुलफिलिंग है, सेटिस्फेक्शन है कि हमने कुछ एक्टिविटी की, काफ़ी अच्छे व्यूज़ देखे, मतलब जिसके लिए आप आते हैं ऑलमोस्ट हमें वो सब मिल ही गया है। अभी आते हैं यहाँ उतरने के बाद मुझे एक सेटिस्फैक्ट्री सी फीलिंग है। बस हम जो फ्लायर है उसको नहीं कर पाए बिकॉज उसका टाइम जो था वो 4 बजे का था और 4 बजे तक हम अभी लेक से नीचे नहीं उतरे थे, तो उसकी जगह हमने कर ली माउंटेन कार्ट। बिकॉज आपको जो एक्स्ट्रा एक एक्टिविटी होती है आपकी गंडोला राइड के साथ वो उसमें कवर थी, तो हमने माउंटेन कार्ट कर ली और हमारा जो ट्रिप था वो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा। सो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे, इसी के साथ हम ब्लॉग का एंड करते हैं। बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।